प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आज यानी 16 फरवरी को विद्यार्थियों का सबसे बड़ा पर्व सरस्वती पूजा है, जो हर वर्ष बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। यह हर वर्ष माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जो विशेष संयोग पड़ रहे हैं उनमें पहला योग रवि योग है और दूसरा अमृत सिद्धि योग है, जिसके कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। तो सबसे पहले जानते हैं हम सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार पंचमी तिथि 16 फरवरी 2021 के सुबह 3:36 से 17 फरवरी 2021 को दोपहर 5:46 तक रहेगी। वहीं सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी 2021 को सुबह 6:59 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों या पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचनाकार जब संसार का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने पेड़ पौधे व जीव जंतु सब कुछ बना दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ चीज की कमी खल रही थी। ऐसे में उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़क कर एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया। यह सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि माँ सरस्वती थी, जिनके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। माँ ने संसार की हर चीज में अपनी वीणा बजाकर स्वर उत्पन्न कर दिया, जिसके बाद से उनका नाम माता सरस्वती पड़ गया और देवलोक से मृत्युलोक तक उनकी पूजा की जाने लगी। कैसे करें माँ सरस्वती की पूजा? माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति बैठाएं। 16 फरवरी को सुबह नहा धोकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। रूली चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीले भोग, केसर, हल्दी आदि का भी उन्हें भोग चढ़ाएं। अब माँ सरस्वती के समक्ष वाद्य यंत्र और किताबों को भी समर्पित करें। फिर माँ सरस्वती की वंदना करें, पाठ पढ़ें और आरती भी करें। कहा जाता है कि माँ सरस्वती का व्रत विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी होता है। ऐसे में विद्यार्थी चाहे तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन नील सरस्वती की पूजा क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि इस दिन मां नील सरस्वती का पूजन भी करना बेहद फलदायी होता है। इनका वर्ण नीला होता है और भुजाएं 4 होती हैं। इनके पास एक वीणा भी होती है, यही कारण है कि इन्हें नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही भगवान शिव ने मां पार्वती को धन संपन्न की अधिष्ठात्री देवी का वर दिया था, जिसके बाद से इनका वर्ण नीला हो गया और यह नील सरस्वती के नाम से जानी जाने लगी। आपको बता दें कि वसंत पंचमी के अलावा भी नील सरस्वती को पूजते रहना चाहिए। उनके हर माह के अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन तो पूजना ही चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन भूल कर भी इन कार्यों को ना करें। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन करने से पहले स्नान जरूर करें, तभी व्रत ही रखें। माँ की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का खास महत्व होता है, इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। वसंत पंचमी को प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन पेड़ पौधे काटने की भूल गलती से भी ना करें। कोशिश करें कि फसल की कटाई से भी परहेज करें। इस दिन मांस, मछली या मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। आमतौर पर सभी शुभ कार्य में यह वर्जित होता है। इस दिन शिक्षा से जुड़ी चीजों को सम्मान दें। अनादर करने की भूल कतई ना करें। माँ सरस्वती के चरणों में अपनी पुस्तक को जरूर अर्पित करें। सरस्वती पूजा के दिन क्रोध या लड़ाई झगड़ा करने से बचें, साथ ही साथ दूसरों को हानि पहुंचाने का भी मन में ख्याल कतई ना लाएं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।